मैग्रूटर के चक्का से लीक है यहाँ से, तो हमने चार बोल्ट लगे होंगे 13 नंबर वाले, तो 13 नंबर टी पाने की वजह से बोल्ट खुलेंगे। टी पाने यूज करना है, जैसे मेरे पास टी है ना, इस तरह की टी पाना 13 नंबर वाला यूज करना है, तो बोल्ट खोल देने हैं। अब आपको सील चेंज करना है, कैसे चेंज करना है ये आपको दिखाएंगे वीडियो में। यहाँ से बोल्ट खोल दिए हैं, 3 बोल्ट होते हैं, मैं बता देता हूँ, 3 बोल्ट खोल लेने हैं। तो यहाँ से हैमर से चोट लगा के प्लेट को बाहर निकाल लेना है, एक्सल प्लेट को बाहर निकाल लेना है, बाहर निकाल लिए। तो यहाँ पे सील चेक कर रहा है, तो सील चेक करके सबसे पहले बैरिंग बाहर निकालना है, चोट लगा के एक्सल को बैरिंग बाहर निकाल दिया है, उसको अंदर की तरफ घेर लेना है प्लेट से, हैमर से चोट लगा के दिखा रहे हैं हम, ये बाहर निकल गया लॉक है ना, अंदर से बैरिंग वाला लॉक निकाल लेना है नोज ग्लास से, तो बैरिंग बाहर आएगा, लॉक निकाल लिया है हमने, तो हमने बैरिंग को ऐसे उल्टा करके चोट लगा देनी है इस पैनल या हमारी किसी रॉड से, तो बैरिंग बाहर हो गया है। उसके बाद हमने सील उखाड़ना है, सील को भी इसी तरीके से चोट लगा के उखाड़ लेना है हमने, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ से चोट लगा के सील को भी उखाड़ लेना है। हमने सील निकाल लिया बाहर, सील का नंबर चेक करेंगे कौन सा है, तो इसके जो सील हमने चेंज करना है, तो इसका नंबर मैं आपको बता दूं, ये रहा नंबर हमारे पास आपको 30 42 8, तो चक्कों वाली सील 30 42 8 लगेगी। तो इस तरीके से सील को नीचे दबा देना है, उसके ऊपर बैरिंग लगा देना है, बैरिंग फिट कर देना है, बैरिंग के ऊपर लॉक लगाएंगे हम, बैरिंग को धकेल देंगे नीचे, तो हमने एक्सल को इस तरफ से लगा देना है, बैरिंग लगा के लॉक लगा दिया, लॉक लगाने के बाद हमने यहाँ से एक्सल को लगा देना है, तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम ऊपर वाला लॉक लगाएंगे, इसका छोटा लॉक, की लॉक यहाँ पे हमने लॉक नोज ग्लास से लगा देना है, लॉक बैठा दिया हमने, तो यहाँ पे ऊपर वाला बैरिंग भी हमने डाल देना है, 6205 नंबर बैरिंग डालता है, अगर बैरिंग डैमेज होगा तो बैरिंग चेंज कर देना है, 6205 नंबर ऊपर वाला बैरिंग है। एक्सल प्लेट के ऊपर हमने एनाबॉन्ड लगा देना है, जैन पेपर लगाएंगे ताकि जैन यहाँ से लीकेज ना करें, तो एनाबॉन्ड को अच्छे तरीके से भर देना है हमने शीट के ऊपर, उसके बाद पैकिंग पेपर लगा देना है, आयल पेपर हमने ऊपर बैठा देना है एनाबॉन्ड लगाने के बाद, अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे भी हमने एनाबॉन्ड लगा दिया है पैकिंग लगा के, अब हम इसको फिट करेंगे, तो इसी तरीके से हमने जिसे खोला था उसी तरीके से हमने यहाँ पे फिट कर देना है, तो ये हमारा फिट हो गया। अब हमने 13 नंबर वाले नट बोल्ट लगा देने हैं, तो इस तरीके से हम आयल सील बैक रोटरी मशीन की चेंज कर सकते हैं, ये बैक रोटरी मशीन है जिसकी हमने आयल सील चेंज की है, तो इस तरीके से हमने आयल सील चेंज कर लेना है, समस्या है तो घर पे समाधान हो सकता है। वीडियो को ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला बटन दबा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।